हेलो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू रिवाइज द जर्नल क्लॉजेज एक्ट फास्ट रिविजन लेकिन एक एक वर्ड लिख के और एक ही क्लास में हम इसे फिनिश करेंगे सो द टाइम स्टार्ट्स नाउ तो स्टूडेंट्स द नेम ऑफ एक्ट इज द जर्नल क्लॉज एक्ट जी सी ए जनरल मींस मीन्स तौर पे क्लॉजेस टर्म्स द जर्नल क्लॉजेस एक्ट ऑफ 1897 दिस एक्ट कंप्राइज ऑफ 31 सेक्शंस बट सेक्शन नंबर 31 इज रिपील्ड दैट मींस इट्स नो मोर ओवर देयर एग्जाम की बेटा सीए में हम इसे वेटेज देखते हैं तो एग्जाम वेटेज है मिनिमम आठ से मैक्सिमम दस नंबर तक सो इट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट अगर मैं इस एक्ट की बात करूं इस एक्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं कुछ पार्ट्स में सबसे पहले प्रीलिमिनरी हिस्सा रहेगा जो कि हम पढ़ेंगे टिल सेक्शन नंबर फोर तक कह लीजिए जिसे आप कह लीजिए भाई मेनली डेफिनेशनल पार्ट रहेगा देर आफ्टर स्ट्रेट वे क्वेश्चन बनता है रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब लॉ को किस तरह से आपने पढ़ना है उसके कुछ रूल्स बना के दिए हुए हैं डेट इज फ्रॉम सेक्शन फाइव टिल थर्टी इसके बाद इन्होंने बताया है कुछ पावर्स और पावर्स एक्साइज करते हैं ऑफिसर्स जिसे हम कहते हैं फंक्शनरीज ये हम पढ़ेंगे फोर्टीन से लेके नाइनटीन तक देयर आफ्टर नोटिफिकेशन एटसेट्रा नोटिफिकेशन में बहुत कुछ आ जाएगा ऑर्डर स्कीम रूल्स बाय दिस एंड डेट लॉट ऑफ थिंग्स एंड डेट वी विल स्टडी फ्रॉम सेक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंड द लास्ट वन विल बी द मिसलेनियस पार्ट और मिसलेनियस हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव से लेके थर्टी थर्टी वन आई टोल्ड यू कि सेक्शन थर्टी वन रिपील हो चुका है विच मीन इट्स नो मोर ओवर देयर तो इस तरह से अगर आप ध्यान दें तो हमारे यहाँ पे टोटल पांच क्वेश्चन बन जाते हैं इस जी सी एक्ट में और ये एक्ट खत्म हो जाता है सो लेट्स स्टार्ट विद गोइंग टू द बेसिक्स कह लीजिए या जिसे आप फीचर्स भी कह सकते हैं इस एक्ट की देखिए ये एक्ट बेसिकली बना किस काम के लिए है और इसी फीचर्स में ही हम इसको सेक्शन नंबर वन कवर अप कर देंगे सेक्शन वन में बच्चों आप जानते हो बेसिकली तीन चीजें तो होती ही होती हैं एक हो गया जी आपका शॉर्ट टाइटल नंबर दो एक्सटेंट नंबर तीन होता है कमेंसमेंट कि ये एक्ट कौन सी डेट से शुरू हुआ तो शॉर्ट टाइटल तो आपके सामने लिखा ही हुआ है एक्सटेंट अंडरस्टूड है पूरा का पूरा इंडिया है कमेंसमेंट के लिए यहाँ पे हम डेट लेके चलेंगे इलेवेंथ मार्च एटीन लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने ये सीखनी है जर्नल क्लॉजेज एक्ट जो है उसकी अलग से कोई पहचान नहीं है वो बाकी हेल्प की एक्ट्स की हेल्प के लिए बना है कि अगर बाकी एक्ट्स में कोई मीनिंग ना दे रखा हो इस एक्ट से आओ और मीनिंग उठा लो तो जर्नल क्लॉजेज एक्ट की यूटिलिटी बनती है जो एक्ट बने हैं इसके बाद उन्हीं के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है बट मेन चीज क्या है इस एक्ट के आने से पहले भी अर्लियर भी आपको पता होना चाहिए दो एक्ट थे एक था 1868 में आ गया था दूसरा एटीन उसके बाद ये 97 में आया था तो 68 में जो एक्ट बना था जे वो स्टार्ट हुआ था थर्ड जनवरी को तो डैट मीन्स हम पढ़ेंगे भी खास करके सेक्शन फोर में कि बहुत सारे डेफिनेशंस ऐसी हैं जो बहुत सारे एक्ट्स में यूज़ होंगी, चाहे वो बने थे 68 के बाद और 1887 को ये नेक्स्ट आया ये आया था फोर्टीन जनवरी तो ऐसा नहीं कि जी एक्ट 97 के बाद ही स्टार्ट होगा स्पेशली इन दोनों के ऊपर जैसे मैंने लिखा अर्लियर तो सेक्शन नंबर फोर में तो काफी कुछ बताया गया है डैट मीन्स अगर हम 68 से पहले चले जाए से जैसे आपने देखा ये आईपीसी 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 क्या उसके ऊपर जीसीए लगेगा नहीं लगेगा नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जी सी ए लेकिन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल और लें हमारे ही कोर्स में सीए इंटर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सेवेंटी टू का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है आपका एटीन एटी वन का तो देखा जाए ये दोनों एक्ट जी सी एटीन नाइनटी सेवन से पहले के हैं क्या जी सी ए लगेगा जी लगेगा एप्लीकेबिलिटी है क्योंकि उससे पहले दो जी सी ए आ चुके थे सिक्सटी एट एटी सेवन मोटा मोटा कह रहा हूं मैं देन हमारे कोर्स में कंपनी जी ट्वेंटी अरे उसके ऊपर तो बहुत ही क्लियर हो गया सीधा का सीधा एप्लीकेबल हो गया जी सी एटीन नाइनटी सेवन क्योंकि ये बना ही उसके बाद है जहां तक सवाल था इन दोनों का ये जो दोनों है ये एप्लीकेबिलिटी इस वजह से बन रही है राइट right? तो इस चीज को सीखें तो हमने जिस एक्ट बनाए किस लिए हमने इसलिए बनाया ताकि बाकी एक्ट्स में हेल्प हो सके और कुछ जनरल सी टर्म्स होती हैं बिना मतलब में बाकी एक्ट्स में लिख लिख के उनका साइज क्यों बढ़ा कर रहेगा आप सो so, तो इसलिए इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी का मतलब हर जगह हर एक्ट में कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं वो सेम रहती हैं तो यूनिफॉर्मिटी हो सके ऑफ किसकी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स जैसे ईयर वर्ड है तो हर जगह उसका मीनिंग सेम ही रहेगा उसमें क्या चेंज आएगा तो दूसरे एक्ट्स का साइज क्या हो सके शॉर्टन द साइज हम बाकी एक्ट्स का जो साइज है उसे शॉर्ट कर सकें और ये एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स क्या थे कॉमन यूज वर्ड्स जनरल इसलिए नाम ही था द जनरल क्लोजेज एक्ट कॉमन यूज वर्ड्स हैं ये हम इसे ये भी कहते हैं सुपर फ्लूटी सुपर फ्लोटी का मतलब है अननेसेसरी जो लैंग्वेज है वो हटाई जा सके सुपर फ्लूटी ऑफ लैंग्वेज बिना मतलब में लंबी चौड़ी चीजें क्यों करनी शॉर्टन कीजिए आप अननेसेसरी वर्ड्स अवॉइड किए जाए तो यह एक्ट लगता है किसके ऊपर क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का है अप्लाइज ऑन सेंट्रल एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट के लिए नहीं तो जहां जहां सेंट्रल एक्ट जाएंगे वहां वहां जी जाएगा तो यू भी कह देते हैं हम इसे लॉ ऑफ ऑल लॉस और इंटरनेशनली तो इसे इंटरप्रिटेशन एक्ट कहा जाता है क्योंकि ये हेल्प कर रहा है दूसरे एक्ट्स को इंटरनेशनली नेमडास इंटरप्रिटेशन एक्ट देखिए एब्रीवेशन मुझे इस्तेमाल करनी होगी क्योंकि इतना कुछ मैं लिख के आपको बता रहा हूं देन सेक्शन टू आता है सेक्शन टू हमारे बीच में नहीं रहा बच्चों क्योंकि मैंने जैसे थर्टी वन भी बताया था तो मैं थर्टी वन भी लिख देता हूँ ये दोनों के दोनों सेक्शन क्या हो चुके हैं रिपील रिपील का मतलब है दे आर नो नो मोर इट्स जस्ट लाइक दे नेवर एग्जिस्टेड तो ये हो चुके हैं रिपील अब आता है इंटरेस्टिंग चीज़ ये है हर एक्ट में डेफिनेशन मिलती हैं सेक्शन टू में बट जी एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर सेक्शन तीन के अंदर क्या मिली हमें डेफिनेशन्स वैसे डेफिनेशनस हैं इसकी सिक्सटी सिक्स लेकिन हमारे सीए इंटर के कोर्स में आ, अगर हम स्टडी मैट को देखते हैं तो उसके हिसाब से हमें नज़र आता है ट्वेंटी एट के करीब हमें ट्वेंटी एट करीब नहीं रदर एग्जैक्टली ट्वेंटी एट डेफिनेशन हमें पढ़नी है तो जो जो हमारे कोर्स में है वो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन जो होती हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं जैसे ए से बी से सी से डी से तो बिल्कुल हम वैसे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ए से रिलेटेड कह लीजिए हमारे कोर्स में दो डेफिनेशन आती है एक है एक्ट क्या होता है दूसरा है एफिडेविट एफिडेविट तो हमें एक्ट की डेफिनेशन नज़र आती है थ्री सेक्शन टू में और एफिडेविट इज अ नाइस nice डेफिनेशन ये नजर आती है सेक्शन तीन के अंदर एक्ट का मतलब है कुछ करना या नहीं करना तो डेट मीन्स कुछ करना या नहीं करना तो ये जो शब्द है इसका मतलब है आपने कुछ करना कह लीजिए नहीं करना जिसे आप कहते हैं ओमिशन मतलब आपने कुछ कांड कर दिया जो आपको नहीं करना था कहने का मतलब है या एक का मतलब है आपने कोई ऑफेंस कर दिया जिसे आप क्रिमिनल कह सकते हो या कोई सिविल रॉंग भी कर दिया आपने सिविल जिसे आप टोट्स कह देते हो किसी को गलत शब्द इस्तेमाल कर देना दिस एंड डैट नहीं करने का मतलब है इलीगल ओमिशंस टू अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एंड वर्ड्स एक्सटेंडिंग टू इलीगल ओमिशंस तो थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मोटा मोटा मैसेज आपको मिले <laughs> तो अब है एफिडेविट जिसे हम नॉर्मल भाषा में यूं कहते हैं एक तरह से कसम खाई है आपने लेकिन रिटर्न में कसम है ये तो इसके अंदर सेक्शन तीन में दो बातें आती हैं अफर्मेशन अफर्मेशन का मतलब होता है कुछ कहना या किसी चीज़ को मानना तो राइटिंग में आपने लिखे कोई चीज़ अफर्म की है या आपने अपनी तरफ से डेक्लरेशन दी है कि ये ये मेरी तरफ से कंटेंट्स हैं या फैक्ट्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ और कोर्ट में ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है सो so, ये चीज़ बाय लॉ अलाउड टू परसन्स मतलब अगर लॉ ने कहा है कि आपको ये डेक्लेशन ये एफिड देना है तो आपको देना पड़ेगा और इसे कहते हैं इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग जिसका मतलब है ये नहीं कि जाके नॉर्मल कसम खा लें आप तो हम इसे कहते हैं राइटिंग में ये हो गया ए से लेकिन अब मैं बता दूं बी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं है सी से रिलेटेड है अच्छी खासी हैं तो सी से रिलेटेड सबसे पहले आता है जी सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन सेंट्रल एक्ट की डेफिनेशन और उसके बाद इसी के ऊपर आता है इसे मैं दोनों को इकट्ठा ले लेता हूँ एक है सेंट्रल एक्ट और दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल एक्ट के ऊपर जो सब सेक्शन है वो है सेवन और गवर्नमेंट के ऊपर सब सेक्शन है एट तो सेंट्रल एक्ट में कही गई है नाम से पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून तो दो बातें हैं मीन्स एंड इनक्लूड्स तो व्हाट इज सेंट्रल एक्ट तो नेचुरल है सेंट्रल एक्ट कौन बनाएगा बेटा स्वाभाविक है पार्लियामेंट बनाएगी वही बॉडी है एंड इंक्लूड्स देखिए ऐसा है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्योंकि हम एक रिपब्लिक बन गए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जिसका मतलब ये हो गया 26 जनवरी 1950 तो यह है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन जब देश का संविधान बन गया 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन अगर हम उससे पहले बात करें तब भी कानून थे और ये कौन बनाते थे अंग्रेज जिसे हम कहते हैं डोमिनियन लेजिस्लेचर इसी एंड इंक्लूड्स में यहाँ चार चीजें लेंगे या उस समय इंडियन लेजिस्लेचर कह लीजिए लेकिन ये आजादी से पहले तो नहीं कहेंगे बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन यू कह लीजिए या गवर्नर जनरल इन काउंसिल तो उस समय जैसे अभी पार्लियामेंट है उस समय ये बॉडी होती थी या फिर गवर्नर जनरल तो जैसे आज के दिन हमारे सबसे टॉप मोस्ट जो है उसे हम प्रेसिडेंट कहते थे तो उस समय कहते थे गवर्नर जनरल यूं कह लीजिए तो उनके द्वारा बनाया गया ये एक्ट्स जो है और आपने ब्रैकेट में लिखना है जरूर लिख लीजिए यह है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से पहले के नाउ गोइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसमें भी इसी प्रकार से हमें दो चीजें देखनी है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चार्ट टाइप लिख देता हूं इसको भी हमें दो कैटेगरी में तोड़ना है डेट इज बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने ध्यान रखनी है बिफोर एंड आफ्टर नाउ यहां पे मींस एंड इंक्लूड्स तो गोइंग टू द मींस बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी मीन्स के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे जो ऊपर मैंने लिख के दिया आपको गवर्नर जनरल और इसके बाद मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद प्रेसिडेंट साहब एंड एंड इंक्लूड्स में दरअसल हमें दो सिचुएशन यहां बनानी होंगी एक है फंक्शंस काम जो करने हैं नंबर दो है एडमिनिस्ट्रेशन तो ये दो सिचुएशंस में हम लिखेंगे तो फंक्शंस में बताया गया कि जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं ये है अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी फोर और ये है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले तो ये यूं कह लीजिए आजादी से पहले की जो डेफिनेशंस हैं उस हिसाब से जो लॉ था उस समय तो उस समय फंक्शंस जो परफॉर्म करने होते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उसमें होते थे ये प्रोविंसेस जिसे आप कह सकते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो काम करने हैं लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो सेक्शन को चेंज करके हम क्या लिख देंगे आर्टिकल और आर्टिकल नंबर 258 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे नहीं किसका आर्टिकल है ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है और अब क्या बन गया अब कोई राजा रजवाड़े नहीं रहे तो जैसे यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपने लिखा था यहाँ वर्ड क्या आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट देन गोइंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन जैसे देखिए हमारे देश में यूटी हैं यूनियन टेरिटरीज जैसे चंडीगढ़ आप कह सकते हैं लद्दाख बनाई गई है तो यूनियन टेरिटरी में उसको मैनेज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसका उसकी तरफ से एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर तो उसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जैसे यूटी है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर है और ये बताया गया आर्टिकल नंबर 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले इन इलाकों को यूटी नहीं कहते थे हम कहते थे चीफ कमिश्नर्स कमिश्नर्स को शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रोविंस और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जैसे अब हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर इसे कहते थे कमिश्नर और ये उनको पावर मिलती थी अंडर सेक्शन 94 सेक्शन है आगे क्या जाएगा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 तो इस तरह से ये थोड़ी सी टाइट डेफिनेशन कह लीजिए जिनकी एग्जाम में आने की संभावना मैं भी कहता हूँ कि नहीं आने चाहिए बाकी रेस्ट पेपर करने के बाद आप बताओगे क्या आया क्या नहीं आया तो ये एक डेफिनेशन महत्वपूर्ण आ जाती है कमेंसमेंट के ऊपर कमेंसमेंट तो कमेंसमेंट की डेफिनेशन जो आती है डांट है सब सेक्शन थर्टीन में है और इसको हमेशा रेड विद सेक्शन पांच पढ़ना चाहिए वो नहीं भूलना चाहिए कमेंस कमेंट का मतलब है द डे वो दिन ऑन वे एक्ट कहे या रेगुलेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ए आर एक्ट और रेगुलेशन कमिंग इन टू फोर्स एक कानून जो है एक जो इनैक्टमेंट है वो किस दिन से लागू होगा तो जिस दिन वो क्या हुआ ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया और इसके ऊपर एक केस है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस चंद्रशेखर सिंह भोई का उसमें भी यही कहा गया था कि जिस दिन उसकी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन हो गई उस दिन एक्ट कमिंग इन टू फोर्स तो ये है हमारे सी से रिलेटेड तो ये हो गए सी से रिलेटेड ए बी सी बी तो था नहीं अब आ गए जी डी से रिलेटेड डी से रिलेटेड हमारे कोर्स में एक ही डेफिनेशन है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो इंटरप्रिटेशन में भी हम करके आते हैं डी से है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन और ये आती है आपके सेक्शन नंबर 18 में और यहां मैं कोड की जो आपको करवाई थी वो ये थी मिस एंड मिस्टर चार वर्ड्स थे तो डॉक्यूमेंट क्या है ऑब्वियसली एम से एक मैटर है कुछ ना कुछ लिखा होगा किसके ऊपर लिखा होगा ऑन एनी नेचुरल है सब्सटेंस कोई तो चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर आप लिखोगे चाहे पेड़ी क्यों ना हो कहीं भी लिखो ऑन एनी सब्सटेंस देन एम से बाय मींस ऑफ किस तरह से लिखोगे आप तो वो कहता है चाहे लेटर हो फिगर हो मार्क्स हो किसी भी तरीके से लेटर फिगर मार्क्स और आर से क्या हो गया लिखा क्यों गया फॉर द परपज ऑफ रिकॉर्डिंग डाट मैटर तो किसी तरह से भी कोई भी चीज लिखित में हो डी के बाद बच्चों आ जाता है ए बी सी डी ई से रिलेटेड भी हमारे पास एक ही डेफिनेशन है एंड डैट इज इनेक्टमेंट सिंपल एक वर्ड में समाप्त करें तो कोई कानून और ये आ जाता है आपका थ्री सब सेक्शन नाइनटीन के अंदर और इसमें भी दो बातें हैं इंक्लूड्स और दूसरा हिस्सा है शेल ऑल्सो इंक्लूड तो ये थोड़ा सा विचित्र रूप से क्योंकि नॉर्मली होता है इंक्लूड मीन एंड इंक्लूड्स तो ये है कहता है इंक्लूड्स शेल ऑल्सो इंक्लूड तो इनेक्टमेंट में कहता है क्या क्या आ जाएगा इंक्लूड बता रहा है वो ये मीनिंग नहीं बता रहा तो कहता है जो रेगुलेशंस भी हैं, वो भी लॉ का ही हिस्सा है प्लस यहां बताया गया जो रेगुलेशन बनाई गई हैं क्योंकि ये हैं कॉन्स्टिट्यूशन से पहले रेगुलेशंस जो बनाई गई हैं मेड अंडर इन कोड में बी फॉर बंगाल एम फॉर मेड्रॉस बी फॉर बॉम्बे तो ये है आजादी से पहले ये बड़े बड़े इलाके थे बंगाल मेड्रॉस बॉम्बे कोड एंड शेल इंक्लूड में कहता है कोई भी प्रोविजंस प्रोविजंस कोई भी धारा अंडर एनी किसी भी किस्म में, चाहे वो आर्ट हो रेगुलेशन हो यूं कह लीजिए तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं वो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए तो ई के बाद नेचुरल है एफ पे जाएंगे हम और एफ पे भी हमें कोई ज्यादा डेफिनेशन नहीं है सिर्फ एक डेफिनेशन है तो डाट एस सेक्शन दाइनेंशियल ईयर सेक्शन थ्री सबसेक्शन ट्वेंटी वन तो नॉर्मली आप सारे जानते हो कि कमेंसमेंट कहा से होगी फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल तो फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल तो अंडर स्टूडेंट इकतीस मार्च तक यह हो गया ची एफ सी गोइंग टू द जी पार्ट जी में हमारे पास कई डेफिनेशन है उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है गुड फेथ और ये आती है थ्री सबसेक्शन ट्वेंटी टू में सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड देन गवर्नमेंट थ्री ट्वेंटी थ्री यूजलेस ही है ये एंड देन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्री ट्वेंटी फोर में तो ये हो गई हमारी जी से रिलेटेड तो गुड फेथ तो कहता हर कार्य जो है जो आपने किया है गुड फेथ में तो कहता अ थिंग कोई भी चीज शेल बी डीम्ड टू बी हम मान लेंगे डीम्ड टू बी इन गुड फेथ कि वो गुड फेथ में करी है आपने वेयर इन फैक्ट इट इज डन ऑनेस्टली मेन चीज ये याद रखें वेयर इन फैक्ट मतलब फैक्ट ये है इट इज डन ऑनेस्टली अगर आपने उसे क्या किया है ऑनेस्टली चाहे आपकी तरफ से नेग्लिजेंसी क्यों ना हो वेदर नेग्लिजेंस और नॉट और यहां पे हमने बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस किया था अगर आप याद रखें तो केस का नाम था मोंग सी मोंग वर्सेज मोंग सी पू वाला केस तो मॉन्ग्स केस में हमने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर पढ़ा था कि भैया कि अगर सिंपली आप कोई चीज ऑनेस्टली कर लेते हैं और कोई सामान खरीद रहे हैं और आपकी तरफ से नेग्लिजेंस भी है उसमें तो हम उसे गुड फेथ में नहीं मान के चलेंगे मीन्स हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि ये जो डेफिनेशन है गुड फेथ वाली उसके ऊपर नहीं लगेगी क्योंकि हमने गुड फेथ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेली की ड्यूटी पड़ी थी और ये थी आ, कि गुड फेथ में उसे रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करनी है तो गवर्नमेंट कहता गवर्नमेंट में दोनों गवर्नमेंट आ जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्लस व्हाट स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो सिक्योरिटीज हैं किसकी हैं सरकार की हैं। सरकार हमने कहाँ हम पढ़ लिया सेक्शन ट्वेंटी थ्री में पढ़ लिया सो दैट मीन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है इन्हीं की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बट नॉट ऑफ पार्ट बी स्टेट देखिए आजादी से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन से पहले यूं कह लीजिए राजा रजवाड़े जो राजा होते थे राजा प्रमुख वाले स्टेट्स को हम कहते थे पार्ट बी स्टेट तो उनकी सिक्योरिटीज को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फिलहाल नहीं लेंगे तो जी के बाद बेटा अब स्लॉट आता है आई से इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वी आर हैविंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड देन आई से ही इंप्रिजनमेंट एंड देन आई से इंडियन लॉ तो ये तीन डेफिनेशन आई से आ गई इमूवेबल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और यहां पर आपका सबसेक्शन है ट्वेंटी सिक्स एंड दिस इज ट्वेंटी सेवन एंड इंडियन लॉ इज ट्वेंटी नाइन तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हमें याद रखनी है चार चीजें सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा लैंड नंबर दो बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड बेनिफिट्स आउट ऑफ टू अराइज आउट ऑफ लैंड नंबर तीन थिंग्स अटैच टू अर्थ एंड नंबर चार और परमानेंटली फास्ट एंड टू अर्थ जिसका मतलब सिंपल हो गया पेड़ पौधे भी आ जाएंगे पॉन्ड्स भी आ जाएंगे फैक्ट्री मशीनें जो जमीन में आपने लगा रखी हैं, इस सब चीजें आ जाएंगी बस यहां पे आपने एक ध्यान रखना है ड्रेन ऑफ वाटर राइट ऑफ वे भी इसके अंदर आ जाएगा लेकिन राइट ऑफ ड्रेन ऑफ वाटर बस एक चीज याद रख लीजिएगा नहीं आएगा वो है पानी निकालने वाली ड्रेन ऑफ वाटर उसे हम इमूवेबल में नहीं लेंगे देन इंप्रिसनमेंट में कहता इंप्रिसनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन इंप्रिसनमेंट देखिए दो तरह की होती है या तो सिंपल या रिग्रेस चक्की पीसिंग पी सिंगता इधर डिस्क्रिप्शन लेकिन एज डिफाइंड अंडर आईपीसी आईपीसी आप सारे जानते हैं इंडियन पीनल कोड के अंदर जो डिफाइंड है देन इंडियन लॉ में दो बातें हैं कि इंडियन लॉ का मतलब क्या है इंक्लूड भाई ये चीज आ जाएगी इसके अंदर बट डीएनआई स्टैंड डज नॉट इंक्लूड तो इंक्लूड में बात कर रहा है कि बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले भी जो ये ये चीजें आ गई क्या आ गई नोटिफिकेशन कोई बना आप रूल कहें रेगुलेशन कहें ऑर्डर कहें बायलॉज कहें ऑर्डिनेंस कहें ये सारी की सारी चीजें चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले थी वो इंडियन लॉ का ही हिस्सा है लेकिन नहीं आएगा इंडियन लॉ के अंदर अगर यूके पार्लियामेंट जिसका मतलब है अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए यही नोटिफिकेशन वगैरह उसे हम इंडियन लॉ का हिस्सा नहीं लेंगे रीजंस आर वेरी ऑब्वियस क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया देश आजाद हो गया तो वो चीज़ें हम क्यों लेंगे तो आई के बाद डेफिनेशन स्टार्ट होती हैं एम से रिलेटेड तो एम में सबसे पहले मंथ की एंड देन कम्स मूवेबल प्रॉपर्टी छोटी छोटी डेफिनेशन हैं ये तो ये दो ही हैं एम से रिलेटेड एंड सब सेक्शन है मंथ के अंदर थर्टी फाइव एंड मूवेबल प्रॉपर्टी में थर्टी सिक्स तो कहता मंथ हमने कैसे लेना है एज पर ब्रिटिश कैलेंडर वो हिंदी वाले नहीं लेंगे कार्तिक चैत्र फागुन वगैरह तो मंथ रेकंड मंथ रेकंड रेकोगनाइज कह लीजिए एज पर ब्रिटिश कैलेंडर तो जनवरी फरवरी इस ढंग से ही हम लेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी uh, कोई भी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल ना हो प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन किसी भी तरह की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी देन ओ से रिलेटेड ओ से रिलेटेड नेक्स्ट जो आती है हमारे कोर्स में दैट इज ओथ ऑफेंस एंड ऑफिशियल गैसेट तो यहां पर ओथ से रिलेटेड सबसेक्शन ऑब्वियसली ऑर्डर में चल रहे हैं आप सारे देख रहे हो थर्टी एट थर्टी नाइन सो ओथ की डेफिनेशन जो क्लियरली हम पढ़ रहे थे एफिडेविट e. वाली कॉपी पेस्ट सेम एस थ्री 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 में हमने पढ़ ली एफिडेविट की वही का सेम डेक्लेशन अफर्मेशन ऑफेंस तो ऑफेंस का मतलब है आपने कुछ गलत कार्य किया तो कह लीजिए करना या नहीं करना जो दरअसल आपका था करना जिसे क्या बताया गया है पनिशेबल बताया गया है किसके द्वारा स्वाभाविक है बाय लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स जिसका मतलब है जो इस समय लॉ लागू है उसके द्वारा बताया गया ये कार्य करना आपके लिए पनिशेबल हो गया ऑफिशियल गैजेट का सिंपल से मतलब है ऑफिशियल गैजेट होता है राजपत्र चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो किसी का भी हो तो इसके बाद आता है पी से और पी से हमारे पास एक ही डेफिनेशन है पर्सन और पर्सन वर्ड देखिए कहाँ था एफिडेविट का हो या ओथ के अंदर क्योंकि वो अफर्मेशन या डिक्लरेशन किसने देनी थी अलाउड बाय पर्सन अलाउड टू पर्सन बाय लॉ इन कह लीजिए तो पर्सन सब सेक्शन फोर्टी टू में है और यहाँ बताई गई हैं तीन चीजें तो पर्सन के अंदर पर्सन इंक्लूड्स कंपनी आ गया और इसके बाद इसमें आ गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन प्लस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और इसमें बताया गया चाहे ये रजिस्टर्ड हैं या नहीं इनकॉर्पोरेटेड और नॉट तो पी के बाद कम्स आर और आर से रिलेटेड यहां पे हैं दो डेफिनेशन आर से एक है अच्छी डेफिनेशन ये रजिस्टर्ड की एंड देन रूल्स की तो रजिस्टर्ड आती है सबसेक्शन फोर्टी नाइन में रूल्स आते हैं फिफ्टी वन में तो रजिस्टर्ड की डेफिनेशन को मैं थोड़ा अच्छा मानता हूं क्योंकि एक आधा आप एम सी क्यू टाइप के क्वेश्चन अच्छा बना सकते हो इस पर तो ये जो वर्ड है रजिस्टर्ड हमें इसका मीनिंग किस चीज़ से रिलेटेड लेना है वो लेना है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम सेक्शन थ्री सेक्शन एटीन में पढ़ाए थे कि जिनके आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्यों करवानी है एज पर सेम वही वर्ड लॉ इन फोर्स फॉर द टाइमिंग कि कोई कानून कह रहा है कि आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है डेट ऑफ बर्थ डेथ के लीजिए मैरिज सर्टिफिकेट जो भी हो या प्रॉपर्टी खरीदते हो उसकी आप रजिस्ट्री करवाते हो गोइंग टू द रूल्स रूल्स में दो चीजें हैं मीन्स एंड इंक्लूड्स तो मीन्स के अंदर तो रूल्स कौन बनाएगा एक अथॉरिटी बनाएगी बाय अथॉरिटी जिसको ये पावर आपने क्या करी है दी है और देने को हम यहां पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं टू हुम द पावर इज कन्फर्ड एंड includes के अंदर एनी रेगुलेशन कोई भी रेगुलेशन मेड एज रूल तो कहता है उसे भी हम क्या मान लेंगे रूल मान लेंगे तो आर के बाद आते हैं एस से रिलेटेड ये छोटे छोटे हैं मिलते जुलते ही स्केड्यूल सेक्शन सब सेक्शन और लास्ट में स्वेयर तो ये आ गए एस से रिलेटेड और यहां पे सब सेक्शन आ गया जी 52 54 61 एंड स्वेयर के अंदर आ गया सिक्सटी टू चार चीजें तो ये तीनों की तीनों सेम आ जाते हैं कहता जहां जहां ये शब्द वर्ड ये आए किसी भी एक्ट में या किसी भी रेगुलेशन में जहां जहां ये वर्ड किसी भी एक्ट या रेगुलेशन में क्या हो रहा अकर्स बस और कुछ नहीं बताया गया इसके अंदर गोइंग टू स्वेयर इसकी भी डेफिनेशन सेम है एफिडेविट वाली सेम एज थ्री थ्री तो ये तीन डेफिनेशन एक जैसी हो जाती हैं एफिडेविट कहें ओथ कहें एंड स्वेर कहें विद दिस वी आर ऑलमोस्ट टू द लास्ट पार्ट तो दो डेफिनेशन बचती हैं W एंड Y से तो W से है आपकी राइटिंग एंड Y से है ईयर। तो ये है सबसेक्शन सिक्सटी फाइव एंड दिस इज द लास्ट क्योंकि टोटल सिक्सटी सिक्स डेफिनेशन इस एक्ट में दी गई है सो गोइंग टू द राइटिंग तो कहता राइटिंग इंक्लूड्स कुछ लिखा है कहता है जो जो लिखा है वो तो है ही राइटिंग लेकिन ये सब चीजें भी राइटिंग का ही हिस्सा मान लेंगे चाहे वो कोई प्रिंटिंग हो कोई लिथोग्राफी लिथोग्राफी क्या होता है किसी प्लेन सरफेस पे कुछ लिखना कोई कारीगरी कोई ड्राइंग बनाना फोटोग्राफी कहता है इसे भी हम राइटिंग में लेके चलेंगे या इसी तरह से कोई अदर चीज जहां पे वर्ड्स लीजिए विजिबल है और आप उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कॉपी बना सकते हैं डेट इज राइटिंग एंड गोइंग टू ईयर सेम मंथ की तरह रेकंड एस पर ब्रिटिश कैलेंडर दैट मींस जनवरी से लेके दिसंबर फाइनेंशियल ईयर की यहां बात नहीं हो रही नेचुरल है नाउ विद सेक्शन नंबर फोर तो सेक्शन नंबर जो फोर आता है उसके अंदर मैं ये कहता हूं कि भाई कोई विशेष बात तो है नहीं इसमें लेकिन दो है स्पोर में फोर है फोर ए है और अगर मैं बात करूं इन दोनों सेक्शंस uh, की इसके अंदर दो दो सब सेक्शन है वन है टू है वन है टू है तो क्या बताया गया है फोर वन में ये बताया गया है ये ये डेफिनेशन डेफिनेशन की एक लिस्ट आ गई है लगेंगी कि ये ये डेफिनेशन लगेंगी भाई किसके ऊपर कहता है ये ये डेफिनेशन लगेंगी इसमें भी फर्दर दो बातें हैं जो जो सेंट्रल एक्ट बने हैं या जो रेगुलेशंस बनी हैं, एक्ट बने हैं 1868 से और रेगुलेशन के लिए है 1887 से क्योंकि 68 में पहला जीसीए आ गया था टू में क्या बताया गया है ये ये डेफिनेशन लगेंगी एक्ट हो या रेगुलेशन हो जो बने हैं 1887 तो दोनों के लिए कॉमन फैक्टर आ गया देन फोर ए में बताया गया है ये ये डेफिनेशंस और ये ये जो डेफिनेशंस हैं ये लगेंगी किसके ऊपर ऑन ऑल इंडियन लॉज तो यहां डैट मीन्स टाइम पीरियड का रोला नहीं है तो जितने भी और ये ये जो डेफिनेशंस ये वाली हैं फोर वन में ये जहाँ जहाँ वर्ड आया है सरकार जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्ट ये वो वो वाली डेफिनेशन्स थी देन फोर टू में आ जाता है कि जहाँ जहाँ किसी एक्ट में बात होएगी रेवेन्यू की रेवेन्यू का मतलब है कमाई किसकी कमाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो कहते हैं ये जो कमाई है जो पैसा आया है ये पार्ट होगा मतलब ये इसके अंदर चला जाएगा भाई किसके अंदर इज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इट विल बिकम पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड जहां जहां रेवेन्यू की बात हुई है देर आफ्टर बच्चों इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है अगला क्वेश्चन ये प्रिलिमिनरी कह लीजिए समाप्त होता है डेट इज जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो मैंने ऊपर हेडिंग लिख दिया था आपको कि भाई ये आएंगे आपके जनरल रूल्स फ्रॉम सेक्शन फाइव टिल सेक्शन नंबर थर्टीन तो यहां से स्टार्ट हो गया आपके जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्शन पांच से तेरह तो सबसे पहले सेक्शन नंबर पांच ये पांच वही बात कर गया जो तीन तेरह में बात थी कमेंसमेंट ये कहता है कमिंग इन टू ऑपरेशन ऑफ एन इनेक्टमेंट मतलब एक कानून किस दिन स्टार्ट होगा तो यहां कमेंसमेंट की ही बात है तो यहां है दो बातें दो बातें ये हैं कि अगर कोई एक्ट बना है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले और एक है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले है तो कहता उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन एसेंट एसेंट का मतलब है साइन कर दिए किसने गवर्नर जनरल ने जीजी जी ने और आफ्टर में उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन साइन कर दिए हैं किसने प्रेसिडेंट साहब ने लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ आप जान लीजिए जिसका ज़िक्र मैंने आपसे पहले भी कर दिया था वो ये है कि जब तक ऑफिशियल गैजेट में नहीं छपेगा कोई एक्ट स्टार्ट नहीं होगा जैसे हम बात करें कंपनीज एक्ट बीस माना यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने अपनी असेंट दे दी थी 29 अगस्त 2013 को लेकिन ये कमेंट्स कब हुआ कमेंट्स हुआ जिस दिन ये ऑफिशियल गैजेट में छपा और ये ऑफिशियल गेजेट में छपा था अगले दिन तीस अगस्त तो हम कहेंगे एक्ट कब स्टार्ट हुआ थर्टियथ अगस्त को स्टार्ट हुआ एक एग्जाम्पल और हमें बात करनी पड़ेगी डेट इज क्योंकि स्टडी uh, मैट में दिया गया है सेबी रेगुलेशन हैं और ये हैं विद रिगार्ड टू इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन जब भी कोई इशू आता है किसी कंपनी का उससे रिलेटेड है तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट आई थी तो ये फिफ्थ अमेंडमेंट थी और ये आई फोर्टीन अगस्त 2015 को लेकिन साफ बताया गया कि ये अमेंडमेंट्स लागू होंगी फर्स्ट जनवरी 2016 को तो अंडरस्टूड सी बात है तो जिस दिन ऑफिशियल गेजेट में छपेगा उसी तारीख को हम लेके चलेंगे द डेट ऑफ इस पे केस भी था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महेश नारायण का तो लिखना चाहे वो भी आप लिख सकते हैं तो सेक्शन नंबर uh, इसके बाद आ जाता है ये फाइव था भाई सेक्शन नंबर सिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट तो उसके ऊपर दो स्टार रेटिंग ले लीजिए सेक्शन कहता है इफेक्ट ऑफ रिपील क्या परिणाम होंगे अगर किसी एक्ट को क्या कर दिया जाए खत्म कर दिया जाए तो यहां देखिए हमें आ, तीन केस स्टडी करनी जरूरी है क्योंकि रिपील का मतलब जानना जरूरी है तो रिपील का मतलब जानने के लिए तीन केस स्टडी हैं जो आपको कंसिडर करनी है आ, एक केस स्टडी आती है कि भाई रिपील का मतलब क्या है एक Uh, तो रिपील का मतलब एक केस में बताया गया दैट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरेंदर पाल सिंह एच पी सिंह इसमें बताया गया कि रिपील का मतलब है ये एक्ट नेवर एग्जिस्टेड जैसे ये कभी था ही नहीं कोई चीज कभी हो ही ना हो दूसरी बात आती है कि अगर हम वर्ड कहें डिलीशन तो डिलीशन का मतलब इस केस में बताया गया डेट इज ये लंबा चौड़ा सा एक नाम है नवरंगपुरा नवरंगपुरा गांव धर्मादा थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा गांव धर्मादा मिलकत ट्रस्ट वर्सेस रम तुझी रामाजी तो यहाँ इस केस में बताया गया कि भाई डिलीशन का मतलब है कम्स टू एन एंड मतलब पहले कोई चीज थी लेकिन आज से क्या हो गई वो समाप्त हो गई तीसरी एक केस स्टडी और यहां पे बताएगी और ये था वर्ड ओमिशन तो ओमिशन का मतलब ये बताया गया कि ऐसा नहीं कोई एक्ट खत्म हो गया इसका मतलब है सम प्रोविजंस या पहले केस का नाम लिख देते हैं हम तो केस का नाम था कोल्हापुर कोल पुर न शुगर वर्क लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया डेट इज भारत सरकार तो इसमें बताया गया ऑमिशन का मतलब है सम प्रोविजन कमिंग टू एन एंड ये नहीं कि पूरा का पूरा कोई एक्ट खत्म हो गया हो जस्ट कोई सेक्शन क्या हो गया हो ऑमिट जैसे कंपनी एक्ट में से सेक्शन नंबर इलेवन और नाइन्टी थ्री हो गया है अब बारी आती है अगर कोई एक्ट रिपील रिपील का मतलब हमने दे दिया कि इट नेवर एग्जिस्टेड अब एक चीज आप सीख लीजिए यहां से यहां के बाद में हर एक सेक्शन में लगभग ये कुछ कॉमन लाइंस हैं मतलब कुछ और आपको आए ना आए एक तो हिंदी में सब चीजों को समझ लीजिए सारे सेक्शन को बस वो लाइन लिखनी है और ये कॉमन लाइन हर एक क्वेश्चन में कोई भी आ जाए आप लिखाओ तो कॉमन लाइन ये है वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन एक्ट हो या रेगुलेशन हो कि जो कि आ गया कमिंग इन टू फोर्स आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ जीसीए क्योंकि देखिए जीसीए किन के ऊपर लगता है जो सेंट्रल एक्ट जीसीए के बनने के बाद आए हैं तो कहता है कोई भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन कमिंग इन टू फोर्स जो कि आए हैं जीसीए के आने के बाद डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स जिसे आप यूं भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं रेपुग्नेट या कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी अनलेस कॉन्ट्रेरी अपियर मीनस जब तक कुछ अलग से ना लिखा जाए अब मेन चीज ये है तो ये कॉमन लाइनें आपने हर जगह लिख दी अब सेक्शन छ स्टार्ट होता है शेल नॉट सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए मैं ढंग से लिख रहा हूं शेल नॉट यहां बताई गई हैं पांच बातें कि अगर कोई एक्ट रिपील भी हो जाए इफेक्ट ऑफ रिपील रिपील के परिणाम क्या होंगे शेल नॉट शेल नॉट ना भूल जाए आप हर पॉइंट में ही कॉमन फैक्टर है कि एक एक्ट के रिपील होने से क्या नहीं होगा शेल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट इनफोर्स जिसका मतलब हो गया कोई भी चीज जो पहले इन्फोर्स नहीं थी एक एक्ट के खत्म हो जाने से वो पुनर्जीवित नहीं होगी शेल नॉट अफेक्ट एक एक्ट एक के चले जाने से जो कुछ उस एक्ट में हो गया प्रायर मैनेजमेंट उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा शेल नॉट अफेक्ट एनी क्लेम किसी का कोई क्लेम है कोई बेनिफिट है जिसे हम कह देते हैं प्रिविलेज किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई डेट वगैरह है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा शेल नॉट अफेक्ट एनी पेनल्टी कहें पनिशमेंट कहें फॉर फीचर तो कोई भी पेनल्टी या कोई प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है उस एक्ट में जो कि अब खत्म हो गया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा शेल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी कोई आपके खिलाफ इंक्वायरी कहें लिटिगेशन कहें कोई कोर्ट केस चल रहा है या रेमेडी तो उसके ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ेगा और यह किस चीज से रिलेटेड है एस टू से रिलेटेड इस पॉइंट से रिलेटेड क्लेम प्रिविलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट और मे बी कहने का मतलब है ये जो इंक्वायरी वगैरह चल रही है इट कैन बी कॉन्टिन्यूड या इंस्टीट्यूटेड विच मीनस आपके खिलाफ स्टार्ट की जा सकती है कॉमन लाइन यहां पे मैं कहूंगा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसे आप बिल्कुल ना भूलें और हर सेक्शन में हमें वो यूज करनी है चलिए बढ़ते हैं आगे तो सेक्शन छ के साथ है 6 ए से मतलब है अमेंडमेंट से आया है सेक्शन ये सिक्स ए में भी रिपील की बात है ये कहता है रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग कोई एक्ट रिपील हुआ है लेकिन उसने क्या किया मेकिंग टेक्सुअल अमेंडमेंट लेकिन उसने कुछ अमेंडमेंट कर दी टेक्सुअल मीन्स वर्ड्स में इन एनी एक्ट और रेगुलेशन पॉइंट को समझना है कॉमन लाइन है वही सारी की सारी है कहने का मतलब है सिंपल इसे आसान भाषा में लीजिए यूं कह लीजिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया मेन एक्ट नहीं एक अमेंडमेंट एक्ट आया अब आपको यह पता होना चाहिए अमेंडमेंट तीन प्रकार की होती है इंसर्शन कोई चीज ऐड करना जैसे कंपनी एक्ट में सेक्शन टेन ए इंसर्ट किया गया ओमिशन हटा देना जैसे मैंने बताया था कंपनी एक्ट में सेक्शन इलेवन एंड नाइनटी थ्री सब्सटीट्यूशन जिसका मतलब है पूरा का पूरा सेक्शन क्या कर देना पूरा भी या पार्ट भी चेंज कर देना जैसे कंपनी एक्ट में हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर नाइनटी की कि सब्सटीट्यूशन हुआ ये वो तो अमेंडमेंट एक्ट आया अमेंडमेंट होगी तीन तरह से उस अमेंडमेंट ने क्या किया मेकिंग एक उसने चेंज कर दी इन टेक्स्ट ऑफ व्हाट ओरिजिनल एक्ट मतलब ओरिजिनल एक्ट में आपने क्या कर दिया बदलाव कर दिया नाउ क्या किया आपने अमेंडमेंट एक्ट ही खत्म कर दिया रिपील्स लेकिन ध्यान क्या रखना बट जो अमेंडमेंट है जो चेंज है इट विल कॉन्टिन्यू उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने ऑरिजिनल एक्ट को चेंज कर दिया डेट विल कंटिन्यू तो मेन है इन सेक्शन के बाद में आपको समझना है कि मेन सेक्शन का कॉन्टेंट क्या है वो समझ लिया आपने बाकी तीन कॉमन लाइने मैंने बता दी थी इट विल सर्व योर पर्पज सेवन में क्या होता है पुनर्जीवित कर देना भाई किस को ऑफ रिपील्ड एक्ट मतलब कोई एक्ट जो आपने खत्म कर दिया क्या वो दोबारा से जिंदा हो सकता है अच्छा जो रिवाइवल होती है इट मे बी होली और वॉट पार्शली हो सकती है तो कहता है ये तभी पॉसिबल है ओनली इफ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड मतलब इसे अगर साफ रूप से कहा जाएगा तभी कोई चीज़ क्या होगी रिवाइव होगी वरना जो चीज़ खत्म हो गई वो ख़त्म वो जिंदा आप कैसे कर सकते हो सेक्शन एट के अंदर बात आती है कंस्ट्रक्शन इसका मतलब होता है लॉ के इंटरप्रिटेशन करना उसे जानना कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस मतलब आपने कोई रेफरेंस दी है किसमें दी है इन एक्ट लेकिन क्या हुआ वो एक्ट हो गया रिपील रिपील होने के बाद उसकी जगह आ गया नया एक्ट री देखिए आपको मेन जो कंटेंट है उसको एक सिंपल एग्जांपल से समझना है तो एग्जांपल क्या है जैसे हम कंपनी पढ़ते हैं की डेफिनेशन सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन टू में और इसमें कहा गया है कि जाइए इसका मतलब कहां से ले लीजिए टू एच सक्रा एक्ट से ले लीजिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से ले लीजिए रेफर कर दिया मतलब अंदर कुछ नहीं लिखा है कंपनीज एक्ट में अब मान लो कल क्या होता है सकरा एक्ट नाइनटीन खत्म हो जाए उसकी जगह नया आ जाए लेकिन कंपनीज एक्ट में तो आपने यही लाइन लिख के छोड़ दी ना तो अब हम मतलब पुराने एक्ट से लेंगे या नए से लेंगे तो नेचुरल है नए एक्ट से हम मीनिंग लेंगे जैसे कंपनीज एक्ट पहले क्या था 1956 था तो हर एक्ट में लिखा है कंपनीज एक्ट 1956 से जाके मदद लो तो नेचुरल है हमने 1956 नहीं खोलना 2013 खोलना है तो जैसे ये तो समझाने के लिए एक नॉर्मल सी मैंने बात करी है आपसे आप जो मेन अपना एग्जाम्पल है वो ये याद रखें क्योंकि यही स्टडी मैट में दिया गया है इसमें बात हुई है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 115 सौ में जहाँ पे कंप्यूट करना है बुक प्रॉफिट

तो इसके बाद हम ये दो मिलते जुलते सेक्शंस की बात करेंगे डाट इज सेक्शन नंबर नाइन एंड टेन अच्छे हैं सेक्शन नाइन में दो बातें आती हैं कमेंसमेंट कहां से शुरू होगा एंड कहां खत्म होगा एंड टर्मिनेशन नेचुरल है टाइम की बात कर रहे हैं हम ऑफ टाइम देखिए कई बार हमने जो शब्द इस्तेमाल किया है, होता है वो वर्ड होता है फ्रॉम यहां से कमेंसमेंट टर्मिनेट टू यहां तक तो देखिए कहता अगर शब्द फ्रॉम है तो बहुत ही आपने सिंपल करना है आपने एक्सक्लूड कर देना है छोड़ दीजिए जब आपने टाइम कंप्यूट करना है आप छोड़ दीजिए क्या छोड़ दीजिए द फर्स्ट इन सीरीज ऑफ डे या कोई अदर प्रस्क्राइब्ड पीरियड जैसे मंथस पहला दिन छोड़ दीजिए जैसे 20 जनवरी से काउंटिंग करनी है आप 21 से करो अगर वर्ड फ्रॉम लिखा है टू का मतलब है आप इंक्लूड कर लीजिए भाई किससे इंक्लूड करने लास्ट आगे वही है इन द सीरीज ऑफ डे और अदर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आता है सेक्शन वन टू थ्री कंपनी एक्ट का जहां आप पढ़ते हैं जो डिविडेंड होता है वो आपने तीस दिन में देना होता है तो पहला दिन छोड़ दो आखिरी आप ऐड कर लें सेक्शन नंबर टेन ये स्ट्रेट वे ही बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम स्ट्रेट वे कहता है टाइम कंप्यूट करना है अब टाइम की बात क्यों हो रही है यहां पे देखिए कहता आपने कोई कार्रवाई करनी थी कोई एक्ट कहें प्रोसीडिंग कहें कोई कार्रवाई आपने करनी थी कहाँ करनी थी इन चाहे वो कोई कोर्ट हो या ऑफिस हो वहाँ पे कोई कार्रवाई करनी थी और ये कार्रवाई कब करनी थी ऑन या तो कोई स्पेसिफाइड डे बताया गया है या आपको बताया गया है प्रस्क्राइब पीरियड भाई इतने दिनों में जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो ये काम करना है हुआ क्या ये कोर्ट या ऑफिस जो था ये बंद था क्लोज ऑन कब ऑन सच स्पेसिफाइड डे कहो या प्रस्क्राइब या लास्ट डे किसका प्रेस्क्राइब पीरियड का उस दिन ये बंद था तो प्रश्न अब ये है कि हम जो लास्ट डे है क्योंकि वो तो बंद हो गया अब क्या करें वो कार्रवाई कब होगी तो लोग कहता है ऑन डे एट ऑपनस तो जब भी यह उसके बाद खुलेगा आप उस दिन को आप अपना लास्ट पीरियड टाइम लेके चलेंगे सेक्शन नंबर इलेवन एंड ट्वेल्व अवल से थोड़े एक जैसे हैं इलेवन में आपने मेजर करना है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और ट्वेल्व में मैं कह, कहता हूं कि मेजर करना है आपने टैक्स दैट इज ड्यूटी तो इलेवन कहता है डिस्टेंस जब भी आप मेजर करेंगे कैसे मेजर करेंगे स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिज़ॉन्टल प्लेन इस तरह से आप मेजर करेंगे और कहता है अगर कोई ड्यूटी विच मींस टैक्स आपने निकालना है और ड्यूटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स है चाहे वो कस्टम्स एक्साइज वगैरह तो मो, मोटा मोटा कह लीजिए हम कह सकते हैं खत्म हो गया जीएसटी वगैरह कह लीजिए कहते कोई टैक्स आपने क्या करना था कंप्यूट करना था ऑन एनी गिवन क्वांटिटी चाहे बाय आप कहें वेट मेजर वैल्यू तो आपने टैक्स कंप्यूट करना है अब हुआ क्या लाइक ड्यूटी उसी प्रकार से टू बी लेविएबल तो जिस तरह से जो भी टैक्स के रेट्स बताए गए हैं लाइक ड्यूटी टू बी लेविएबल ऑन क्वांटिटी आप उसे कहें ग्रेटर और लेस मतलब प्रपोर्शनेटली अगर क्वांटिटी कम या ज्यादा हो तो प्रपोर्शनेटली कंप्यूट कर लो भाई उसमें क्या रॉकेट साइंस है सेक्शन नंबर थर्टीन दिस इ वेरी इंपॉर्टेंट पुट स्टार सेक्शन तेरह में दो सबसेक्शन है सबसेक्शन वन बात करता है जेंडर की एंड टू बात करता है नंबर की तो कहता है जहां जहां वर्ड आ गया मैस्कुल विच मीन्स मेल मैस्कुल तो वहाँ वहाँ क्या आएगी फीमेल टू इंक्लूड फीमेल और नंबर में कहता है अगर आपका वर्ड आ गया सिंगुलर सिंगुलर मीन्स अकेला तो उसके अंदर क्या आ जाएगा टू इंक्लूड प्लूरल एक से ज्यादा भी आ सकते हैं एंड आप कह सकते हैं वाइस वर्षा तो यहां पे नंबर में एक खूबसूरत एग्जाम्पल है कंपनी सेट का है सेक्शन टू जीरो थ्री पे है होल टाइम के एम पी पे है कि होल के एम पी आदमी हो सकता है इन वन कंपनी सिर्फ एक ही कंपनी में एक्सेप्ट सब्सिडरी तो आपकी सब्सिडरी है वहां पे भी आप हो सकते हैं तो सब्सिडरी वर्ड हो गया सिंगुलर तो अगर पांच सब्सिडरी क्या वहां हो सकते हैं द आंसर इज यस क्योंकि नंबर में सिंगुलर के साथ प्लुरल आ गया तो बच्चों यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है आ, किसके ऊपर रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो अगला क्वेश्चन मैंने आपसे जिक्र किया था कि आप 14 से 19 पढ़ेंगे किसके अंदर पावर्स एंड फंक्शनरीज फंक्शनरीज का मतलब होता है पावर एक्सरसाइज करनी है तो कोई ना कोई अफसर होगा ना तो फंक्शनरीज मतलब ऑफिसर ऑन द पोस्ट तो दोनों के ऊपर तीन तीन सेक्शन है तो सबसे पहले आइए पावर की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर फोर्टीन में एज आई सेट पावर है 15 में भी पावर है 16 में भी पावर है अब 15 में क्या है 15 कहता है जो पावर है वो आपने एक्सरसाइज करनी है तो करो तो क्या रोज आप अपनी धोस दिखाओगे नॉट एट ऑल पावर टू बी जो एक्सरसाइज है वो कैसे करनी है फ्रॉम टाइम टू टाइम जिसका मतलब है एज ओकेजन जब जरूरत आन पड़े एज ओकेजन रिक्वायर्स तो जब जरूरत पड़े आप पावर एक्सरसाइज कीजिए एंड 15 आके कहता है पावर टू अ पॉइंट अगर आपके पास पावर है टू अ पॉइंट टू इंक्लूड तो कहता है उसके अंदर ही आ जाएगी पावर टू अ पॉइंट एक्स ऑफिस बस ये वर्ड आपको पकड़ना है देखिए मेन चीज है टू इंक्लूड सेम वे सिक्सटीन में मैं इसे समझाता हूँ एक लाइन लिखूंगा लेकिन सिक्सटीन पहले साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ कहता पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू यहां तक सेम है अब जो चीज़ बदल जाती है कहता अगर अपॉइंटमेंट की पावर है तो आपके पास आप, आ, साथ में ये भी पावर है क्या करें आप टू तो सस्पेंड या कह लीजिए डिसमिस जिसका मतलब है किसी को आप निकाल भी सकते हैं परमानेंटली निकालो तो डिसमिसल टेम्प्रेरी तो उसे हम कह देते हैं सस्पेंड करना तो पहली बात एक्स ऑफिसो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ वंस पोजीशन मतलब अपनी पोजीशन की वजह से जैसे मैं सिंपल कहूँ हमारे देश में वाइस प्रेजिडेंट साहब जो हैं वो राज्यसभा के क्या हैं वो हेड है वो वहां के चेयरपर्सन है बिकॉज ऑफ हिज पोजिशन सो कहता है पावर टू अपॉइंट तो हम राज्यसभा का हेड तो लेंगे टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशो मीन्स ड्यू टू योर पोजिशन और कहता है सोलह में अगर आपके पास किसी को अपॉइंट करने की पावर है तो बहुत सिंपल सी बात है उसे आपके पास निकालने की पावर है और यहाँ एक अच्छा केस जरूर याद रखें ये केस भी था रेयर अपन वर्सेस माधवी अम्मा का ये केस था रियार अपन वर्सेस माधवी अम्मा तो ये हो जाते हैं पावर के ऊपर तीन सेक्शन अब हमारे पास तीन सेक्शन क्रिएट हो जाते हैं एंड ये तीनों के तीनों फंक्शनरीज के ऊपर आएंगे तीनों के तीनों सेक्शन ऑन द फंक्शनरीज मतलब अफसरों के ऊपर लेकिन इन तीनों के लिए मैं एक ईजी वर्ड लेके चलूंगा मैं तीनों को एस से ही यहां लेके चलूंगा एक में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन जिसका मतलब है बदल देना किसका ऑफ फंक्शनरीज ये अंडरस्टूड है और इडीन में सक्सेसर जिसका मतलब हो गया आपका उत्तराधिकारी ऑफ फंक्शनरीज एस से ही सुबोर्डिनेट जी जो सबोर्डिनेट होता है वो होता है अपने सुपीरियर का चीफ का तो इन तीनों सेक्शंस में एक चीज और जो इंटरेस्टिंग निकलती है इन तीनों में आप एक कॉमन लाइन और पकड़ लीजिए जो तीन कॉमन लाइन तो मैंने बताई बताई थी यहां पे उसके अलावा कॉमन लाइन क्या ले लीजिए यहां लिखा है इन तीनों में इट्स शेल बी सफिशेंट कहता इतना ही बहुत है फॉर द परपज ऑफ ये आ गई सेकेंड लाइन फॉर द परपज ऑफ इंडिकेटिंग द लॉ कहता इतना ही बहुत है इन तीनों में ये तीन कॉमन लाइने और ऐड कर सकते हैं तो सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शन मीन्स एक पोस्ट पे कोई और अफसर आ गया तो कहता आपने क्या करना है टू मैंशन ऑफिशियल टाइटल अपना ऑफिशियल टाइटल मेंशन करें जिसका मतलब है डेजिग्नेशन सिंपल सी बात है जो फिलहाल कोई व्यक्ति एग्जीक्यूट कर रहा है फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस तो अपना वो टाइटल बताएं बस इतना ऐसी बात कही गई एंड सक्सेसर्स में ये कहा गया सक्सेसर किस चीज का ऑफ फंक्शनरीज एंड एक चीज और कहा गया कॉरपोरेशन जैसे कंपनी वगैरह उनमें क्या होता है हैविंग परपैचुअल सक्सेशन आगे से आगे चलती जाएंगी परपैचुअल सक्सेशन तो कोई ना कोई उस पोजीशन पे आगे आना चाहिए तो सक्सेसर कौन होगा जैसे आप ध्यान दीजिए तो यहां पे वैसे लॉ की बात करें तो कहा गया टू एक्सप्रेस द रिलेशन जैसे अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वहां सारे गांधी परिवार आगे से आगे सक्सेसर बनता है उस हिसाब से टू एक्सप्रेस द रिलेशन लेकिन टेक्निकल कोई एग्जाम्पल दें तो जैसे हम पढ़ के आते हैं ओपीसी टू सबसेक्शन सिक्सटी टू में तो वहां एक मेंबर होता है तो उसे अपना एक क्या चूज करना होता है नॉमिनी तो बस वो बताइए सक्सेसर कौन होगा एंड गोइंग टू द सुबोर्डिनेट्स तो कहता है सबोर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं परफॉर्मिंग ड्यूटीज वो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं सबोर्डिनेट किसकी जगह पे करता है इन प्लेस ऑफ अपना सुपीरियर कहें चीफ कहें तो सिंपल सी बात है अगर आप अपने चीफ की जगह पे काम कर रहे हैं तो कुछ भी गलत काम किया तो क्या आपका चीफ सुपीरियर लावल होगा नहीं तो सीधी सी बात है सेम लॉ तो आप भी जिम्मेवार होंगे टू अप्लाई टू डेप्टी का हो या कह लो सुबोर्डिनेट्स एज वेल तो आपके ऊपर भी वो लॉ लगेगा ये नहीं कि हम हेड को गिरफ्तार कर लेंगे उसने गलत कार्य किया आप उसकी जगह काम करें सुबोर्डिनेट हो तो किसी एक्ट में लिखा है कि चीफ लाबल होगा तो अंडरस्टूड है उसके नीचे जो काम कर रहे हैं वो भी क्या होंगे उस कार्य के लिए लावल होंगे तो यहाँ पे आते आते हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया और इसके साथ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 20 से 24 में और हर सेक्शन में ये कॉमन वर्ड आएंगे नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम बहुत गहराई में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूट में पढ़ के आए थे नोटिफिकेशन कहें ऑर्डर कहें लॉ से रिलेटेड कुछ स्कीम्स भी आती रहती हैं स्कीम्स कहें रूल कहें, नियम बायलॉज कहें एटसेट्रा तो ये हैं 20 से लेके चौबीस पांच सेक्शन हैं। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 20। मैं इनके लिए कॉमन सा वर्ड लिख लेता हूं यहां पे, मैं लिख देता हूं नोस नोटिफिकेशन ऑर्डर स्कीम नोस एटसेट्रा तो अगर नोटिफिकेशन वगैरह जारी होती हैं, तो क्या यह बिल्कुल लॉ का हिस्सा है हंड्रेड परसेंट है तो बस यही ट्वेंटी कह रहा है Has same meaning. कहता है इसका मतलब सेम वही हैज सेम मीनिंग एज इन एक्टमेंट जैसे कोई एक्ट बना हो तो इट इज एज इट इज जिसे आप कह सकते हैं एज गुड एज ट्वेंटी वन कहता है अगर आपके पास पावर है टू इशू भाई क्या इशू करने की अरे यही नोज एटसेट्रा तो आपके पास ये पावर भी है ऑल्सो पावर टू अमेंड वेरी ऑल्टर रिसाइंड कैंसल कुछ भी कहें तो आप इनको बदलने की भी पावर रखते हैं अमेंड कहो रिसाइंड कहो वेरी कहो ऐड कहो कुछ भी कहें ट्वेंटी टू अच्छा सेक्शन है ये स्टार लगा देते हैं तो ट्वेंटी टू कहता है अगर आपने इशू करें हैं क्या इशू किया वही नोस एटसेट्रा ये आपने जारी किए मेकिंग कहें या ऑर्डर को हम कहते हैं इशू करना ये आपने इशू किए लेकिन कब किए आफ्टर बट बिफोर ये हैं दो विशेष बातें कि नोटिफिकेशन वगैरह जार, जारी करी है लेकिन कब करी आफ्टर मेकिंग ऑफ एक्ट ये तो नेचुरल सी बात है भाई पहले एक्ट वगैरह बनाओगे उसके बाद ही कोई उसमें दिक्कत है प्लस माइनस है तभी नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं बिल्कुल ठीक है क्या गलत है इसमें लेकिन गलत ये हो गया बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट तो एक्ट तो बन गया नोटिफिकेशन आ गई लेकिन एक्ट अभी कमेंस ही नहीं हुआ तो प्रश्न ये है ये नोटिफिकेशन वगैरह जो है क्या ये लागू होंगी तो हम यही कहेंगे नो no इफेक्ट तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा टिल कब तक जब तक एक्ट या रेगुलेशन क्या ना हो जाए कमेंट्स क्योंकि उसका हिस्सा है जब वही नहीं स्टार्ट हुआ तो इस इट डज नॉट मेक एनी सेंस तो कोई इफेक्ट नहीं होगा जैसे कुछ इस तरह से भी कुछ डिटेल दी गई कि आपने कोई आ, कह लीजिए कोई कोर्ट इस्टैब्लिश करना है ऑफिस कोर्ट कुछ भी कहें इस्टेब्लिश करना है या कोर्ट है तो उसमें आप क्या करेंगे जजेस ऑफिसर्स वगैरह अपॉइंट करेंगे या आपने बताया कि ये व्यक्ति काम करेगा इस समय कोई काम करना है इस जगह पे काम करना है इस तरह से कोई काम करना है ये सब फीस फूस होगी तो सिंपल सी बात है इन चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं होगा जो भी आपकी नोटिफिकेशन वगैरह आई है जब तक एक्ट क्या ना हो जाए कमेंट्स ना हो जाए सेक्शन ट्वेंटी थ्री अच्छा सेक्शन है ये भी स्टार ले सकते हैं आप तो ये है फिर से वही इशू करें हम नोस एट्सेट्रा इशू करना कहें मेकिंग कहें कहता जब भी आप इसे बनाएंगे इसलिए मैं मेकिंग वड़ियाँ लिख देता हूँ बनाएंगे तो आपने ध्यान रखना है आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल बात कर रहा है ये नोटिफिकेशन वगैरह जो कि लॉ का हिस्सा है ये कब बनेंगे तो यूँ कह लीजिए यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स की बात करेंगे हम पांच स्टेप्स की यहाँ बात करेंगे तो पहला आता है सबसे पहले कोई भी आप नोटिफिकेशन क्योंकि लॉ वगैरह है तो एक तरह से ड्राफ्ट पब्लिकेशन निकालें जिसका मतलब एक है कच्चा कागज निकालिए कि अब ये पक्का नहीं बना है ताकि आम जनता को पब्लिक डोमेन में इसे क्या किया जाए डाला जाए ताकि जो जो लोग उससे प्रभावित हैं वो अब उनको एक इन्फॉर्मेशन मिले आम जनता को और वो अपनी सजेशन या ऑब्जेक्शंस वगैरह दे पाए तो ड्राफ़्ट पब्लिकेशन निकाला तो आम जनता को बताना है तो कैसे बताएंगे तो उसे आप छापेंगे तो कहता है छापने का जो तरीका होगा मैनर जो होगा वो कौन डिसाइड करेगा तो स्वाभाविक है सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है तो वही डिसाइड करेंगे या कोई जो भी अथॉरिटी उससे रिलेटेड है जो लॉ बना रही है विल डिसाइड तो आपने एक नोटिस देना है एक तरह से एक टाइम बता रहे हैं हम कि इतने दिनों तक लोग अपनी सजेशन ऑब्जेक्शन वगैरह दे सकते हैं और सजेशन ऑब्जेक्शन में Uh, किसको मिलेंगी ऑब्वियसली इन अथॉरिटीज को मिलेंगी लेकिन कई बार क्या होता है दो अथॉरिटीज आपस में मिलके बिलॉ बनाती हैं। जैसे कंपनी में सेक्शन 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीजी ने बनाने हैं अथॉरिटी है, है नफरा लेकिन वो कंसल्ट करती है आईसीआई तो दोनों ही वो सजेशन ऑब्जेक्शन ले सकते हैं इसके बाद देखिए कॉन्क्लूसिव प्रूफ कब होगा कि नोटिफिकेशन वगैरह बन गई है स्वाभाविक है जब आपने इसको नोटिफाई कर दिया किसमें इन ऑफिशियल गैजेट में छाप दिया है तो ये लॉ बन गया तो ट्वेंटी फोर सेक्शन अच्छा है समझने के लिए ये सेम वही नोज एटसेट्रा क्या किया आपने यूं कह लीजिए मेड इशूड ठीक है जी बना दिया आपने लेकिन क्या हो गया ये बना दिए बट उससे रिलेटेड जो एक्ट था रिपील्ड हो गया मतलब वो एक्ट क्या कर दिया गया खत्म कर दिया गया नाउ री इनैक्टेड और उसकी जगह हम क्या ले आए एक नया कानून ले आए तो इसका मतलब हो गया ये नोटिफिकेशन वगैरह किससे थी पहले की थी पुराने एक्ट की थी जैसे एक्ट 1956 से बीस तेरह बन गया है. तो ये पुराने वाली जो नोटिफिकेशन वगैरह है तो यहां पे ट्वेंटी फोर कहता है दे विल कॉन्टिन्यू वो कॉन्टिन्यू ही रहेंगी टिल कब तक कॉन्टिन्यू रहेंगी टिल सस्पेंडेड कहो या आप कह सकते हैं सुपरसीडेड उसको ओवर कर दिया गया है स्वाभाविक है किसके द्वारा बाय री इटेड एक्ट आपने एक नया एक्ट बनाया है तो उस एक्ट ने उसको खत्म कर दिया खत्म कर दिया तो फिर वो नहीं रहेंगे वरना क्या रहेंगे टू कॉन्टिन्यू तो मेन है इट विल कॉन्टिन्यू और इफ नॉट इनकंसिस्टेंट या ये खिलाफ नहीं है एस टू री एनेक्टेड एक्ट मतलब नए एक्ट में उस पॉइंट के ऊपर कोई बात नहीं थी तो पुरानी नोटिफिकेशन से भी हम हेल्प ले सकते हैं ऐसे ही एक केस था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज हरनेक सिंह का जहां परप्शन एक्ट uh, में कोई कार्रवाई हो रही थी इन्वेस्टिगेशन इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सेवन तो कहा गया वो कार्रवाई कॉन्टिन्यू ही रहेगी चाहे एक्ट बदल गया है क्योंकि नए एक्ट में उससे रिलेटेड कुछ लिखा नहीं था सो वी कैन टेक द हेल्प फ्रॉम देयर तो ये हो गया बीस से चौबीस और इसके साथ हम आगे हमारे आखिरी प्रश्न पे जो कि है जीसी एक्ट का मिसलेनियस पे ये डील करता है सो so, मिसलेनियस पार्ट सेक्शन 25 से 30 तक तो सबसे पहले सेक्शन नंबर पच्चीस ये कहता है रिकवरी ऑफ फ़ाइन देखिए बहुत सारे एक्ट में आपने कंपनीज़ एक्ट में भी दुनिया भर का देखा है इतना फ़ाइन इतना फ़ाइन तो फ़ाइन की रिकवरी कैसे की जाएगी इस पे ये डील करता है तो कहता है इसके लिए धाराएं लगेंगी प्रोविजंस ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड और उसका सेक्शन सिक्सटी थ्री से सेवेंटी एंड सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्योंकि आप पैसा नहीं दे रहे हैं ट्वेंटी सिक्स कहता है ऑफेंस अच्छा सेक्शन है इसे स्टार लीजिए। ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है एक ऑफेंस है लेकिन वो पनिशेबल है अंडर टू और मोर इन मतलब दो लॉ के अंदर तो बताइए एक गुना की दो सजा मिलनी चाहिए नॉट एट ऑल तो इसलिए सेक्शन ने कहा ऑफेंडर जो है वो आप उसे प्रोसिक्यूट करें मतलब कानूनी कार्रवाई करें आप उसे पनिश भी करें बिल्कुल करना चाहिए गलत कार्य किया है लेकिन कहा अंडर ईदर ऑफ एक्ट सिंपल सी बात कहें तो सिर्फ आप उसे सजा दीजिए एक एक्ट के अंदर ट अ ट्वाइस ट्वेंटी सेवन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन यह है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट आपने कोई कागज भेजना है कहीं पर भेजना है और पोस्ट से भेजना है तो हम कैसे मान लें कि वो उसकी सर्विसिंग सही हो गई है जिसका मतलब है हम यू कहना चाहते हैं क्या उसकी डिलीवरी वैलिड मानी जाएगी तो इसके लिए हमारे पास तीन कंडीशंस हैं जो 27 ने कही तो 27 ने कहा हम मान लेंगे आपने सही डिलीवरी करी है पहली बात है आपने उसके ऊपर प्रॉपर एड्रेसिंग की है एड्रेस सही लिखा है नंबर दो जब आप पोस्ट से भेज रहे हैं तो स्टैम्प लगती है पैसे लगते हैं तो आपने उसके पैसे भी दे दिए हैं तो सही बात है भाई प्री पेमेंट एंड तीसरा है ये है महत्वपूर्ण चीज़ रजिस्टर्ड पोस्ट आप ऑर्डनरी पोस्ट से नहीं भेजेंगे हम सही मानेंगे अगर वो रजिस्टर्ड पोस्ट है क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट में आपके पास एक सबूत भी रहता है और एक इस चीज़ पर हम कहें कि टाइम क्या होगा कब आपके पास पहुंच गया तो वो जो भी ऑर्डनरी कोर्स में आम तौर पे वहाँ भेजने में जो टाइम लगता है हम मान लेंगे बस वही रहेगा यहाँ पर एक अच्छी केस स्टडी है तो केस स्टडी यहाँ पे तीन केस स्टडी हैं जिसमें एक केस मैं कहता हूं काफी महत्वपूर्ण है वो पक्का याद रखें यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीम सेन मखीजा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीम सेन मखीजा इस केस में क्या था कि भाई एक्ट या रेगुलेशन में बताया गया था कि जब आप पोस्ट से कोई भी कागज़ भेजेंगे तो वो होना चाहिए रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट मतलब उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट भी होनी चाहिए जिसका मतलब है अगले को चिट्ठी भेजने के बाद वहां से पोस्टमैन आपको एक सबूत ला दे कि चिट्ठी डिलीवर हो गई है तो यहाँ पे क्या हुआ आपने भेज दिया सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट तो क्या ये वैलिड है बिल्कुल वैलिड नहीं है वजह क्या हो गई क्योंकि आपने एक्नॉलेजमेंट नहीं लगाई तो ये एक केस करने वाला है इसके बाद बाकी केस करना चाहें तो आपके ऊपर है जैसे ये केस है जगदीश सिंह वर्सेस नथू सिंह का जगदीश सिंह वर्सेस नथू सिंह का ये केस था जहां पे आ, कुछ कागज भेजे लैंडलॉर्ड ने और टेनेंट ने क्या कर दिए लेने से मना कर दिए तो बस भेजना जरूरी है वो तीन कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी तो वो भाई वैलिड है तो ये वैलिड माना गया एंड तीसरा है वंदना गुलाटी वर्सेस मंगल सिंह और इस व्यक्ति के दो नाम थे अलियास गुरमीत सिंह तो किसी भी नाम से से तो इस केस में था यही कहा गया फॉलो सेक्शन ट्वेंटी सेवन Procedure. कि अगर आप चाहते हैं वैलिडली कोई कागज भेजा जाए तो ट्वेंटी सेवन का प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा और अगर आपने फॉलो किया है तो वो वैलिड है अनलेस कॉन्ट्रेरी प्रूव जब तक आप साबित ना करें ऊपर वाली तीन कंडीशन हम तो यही मान के चलेंगे जो कुछ किया गया बिल्कुल सही किया गया इसके बाद बेटा तीन सेक्शन बचते हैं जिसमें से समहाउ ट्वेंटी एट आई लाइक इट क्योंकि ये कहता है साइटेशन साइटेशन का मतलब होता है कोट करना साइटेशन कर रहे हैं आप किसके कर रहे हैं चाहे किसी एक्ट के बारे में बता रहे हैं एनेक्टमेंट या आप किसी सेक्शन के बारे में जिसे आप प्रोविजन कह सकते हैं तो कहता है जब आपने साइटेशन करनी है कैसे करें तो अगर किसी एक्ट के बारे में किसी और एक्ट में बात हो रही है तो आप सिंपली उसका क्या बता दीजिए शॉर्ट टाइटल बता दीजिए या आप उसका क्या बता सकते हैं ईयर बता सकते हैं या आप उसका क्या बता सकते हैं नंबर बता सकते हैं जैसे वही सेम एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिया था कि कंपनीज एक्ट में टू एटी वन में सिक्योरिटीज की डेफिनेशन आती है तो आपने टू एटी वन में क्या लिखा है कि ये डेफिनेशन जाइए कहाँ से देख लीजिए टू एच सकरा तो सकरा का हमने कौन सा टू एच पूरा डिफाइन कर दिया बस सिंपल छोटा सा नाम लिख दीजिए सेम वे प्रोविजन का मतलब यह है कि अगर आपने किसी सेक्शन के बारे में कोई प्रोविजन की बात करी है तो सेक्शन या फिर आप सब सेक्शन कोट कर दीजिए जैसे हमने सिक्योरिटीज के लिए ये सेक्शन एंड सब सेक्शन क्या किया कोट कर दिया नाउ सेक्शन ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी दे आर प्योरली वन लाइनर ट्वेंटी नाइन है सेविंग क्लॉज सेविंग क्लॉज आप जानते हैं टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन इसका मतलब क्या है ये कहता है बड़ी सिंपल सी बात इसने कही हम सारे जानते हैं जीसी एक्ट लगेगा भाई कौन से एक्ट के ऊपर लगेगा ऑन एक्ट या रेगुलेशन जो बने हैं मेड आफ्टर जो बने हैं नेचुरल है कब बने होने चाहिए 1897 जीसीए तो नहीं लगेगा उन एक्ट्स और रेगुलेशन के ऊपर जो कि क्या बने हैं मेड बिफोर 1897 लेकिन नो डाउट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा बहुत सारी चीजें क्योंकि ये दो जीसीए एक्ट पहले भी थे उस वजह से लग रहा था तो मेन है वो सेविंग क्लॉज है कि उससे पहले वाले एक्ट जैसे मैं उदाहरण दूं इंडियन पिनल कोड 1860 उसके ऊपर तो जीसीए लग ही नहीं सकता ना तो सेविंग क्लॉज है एंड सेक्शन थर्टी कहता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट कि जीसी एक्ट लग जाएगा ऑन ऑर्डिनेंसेस तो ऑर्डिनेंस आप सारे जानते हैं टेम्परे लॉ है जो पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट के साइन करके आ, मतलब गवर्नमेंट ने बना दिया लेकिन अभी तक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में क्या नहीं हुआ है पास नहीं हुआ है तो ये एक्ट ऑर्डिनेंसेस के ऊपर भी लगेगा तो ऑन दिस नोट बेटा जी सी ए की रिविजन समाप्त होती है आई होप सो आपके लिए ये यूज़फुल रहे थैंक यू गुड लाख